ऑडियो स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। यह कॉम्पिटेटिव जो क्वेश्चन है एक पजल से कम नहीं है। इसको पजल मतलब होता है बुझना, बुझौवल, पजल, कहावत। वह क्या है, एक छिपकली एक 20 मीटर खंभे पर चढ़ती है। एक छिपकली एक 20 मीटर खंभे पर चढ़ती है, लेकिन वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ती है तथा 2 मीटर फिसल जाती है। उसको 20 मीटर लंबे खंभे पर चढ़ना है। प्रतिदिन 5 मीटर तो चढ़ जाती है, लेकिन 2 मीटर वह स्लिप कर जाती है, फिर डाउनवर्ड में चले जाती है। तो वह कितने दिन में खंभे पर चढ़ जाएगी। खंभे की लंबाई 20 मीटर है। मैंने वास्तव में कहा था ये पजल टाइप का है, एक लोकोक्ति टाइप का है, कहावत टाइप का है, इसको हम लोग बुझौवल कहते हैं। अब देखिए यहां से छिपकली चढ़ना शुरू करती है। तो छिपकली चढ़ना शुरू करते तो 5 मीटर चढ़ी और फिर 2 मीटर नीचे की तरफ फिसल गई। तो वह वास्तविक चढ़ाई उसका कितना हुआ, 3 मीटर पर डे हुआ। वास्तविक चढ़ाई इसका पर डे 3 मीटर हुआ। तो मान लिया जाए टोटल उसको दूरी तय करना है, टोटल दूरी उसको तय करना है 20 मीटर। मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और पर डे कितना चढ़ती है, प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ती है, 5 मीटर चढ़ जाती है, लेकिन पुनः 3 मीटर है, 2 मीटर स्लिप कर जाती है। तो वास्तविक चढ़ाई ये प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ती है, प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ती है, लेकिन 2 मीटर वह फिसल जाती है। तो इसका वास्तविक चढ़ाई हुआ, वास्तविक चढ़ाई, इसका वास्तविक चढ़ाई हुआ, मान लीजिए इसको जेड, 20 घटाव 5, 5 घटाव 2 बराबर आपका 3 मीटर हुआ पर डे चढ़ती। तो ऐसे देखिए कितना कंफ्यूज है। अगर 3 का मल्टीपल लेते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, मानी 7वां दिन जाकर उस चोटी पर बैठ जाएगी। लेकिन आपका ये आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि एक दिन जो 5 छलांग मारेगी 5 मीटर का, तो फिर नीचे स्लिप नहीं करेगी, तो जाकर उस पर बैठ जाएगी, एकदम स्टेबल हो जाएगी। 5 मीटर 5 मीटर ठीक है, पर डे वह 2 मीटर स्लिप करती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अंतिम दिन ऐसा आएगा कि जब वो 5 मीटर का छलांग करेगी तो जाकर उसके ऊपर बैठ जाएगी। तो यहां पर अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ये रन कैलकुलेशन होगा। तो मान लिया जाए लगा समय, लगा समय आप लिखिए एक्स माइनस वाई बटा जेड प्लस वन, एक दिन तो बैठी जाएगी उस पर, उसको स्लिप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स माइनस वाई, तो एक्स माने हैं हम 20 मीटर को, वाई माने हैं 5 को, अपर देन 3 मीटर चढ़, 3 मीटर चढ़ती है, प्लस वन, 15 में 5, 15 में 5 गया 15, 20 में 5 गया 15, 3, 8, 6 दिन, 6 दिन, 3 5 15। अब देखिए 3 5 15, अब 5वां दिन जब छलांग मारी तो पूरा जाकर बैठ ही जाएगी। तो एक को आपको ओड में रखना होगा, एक दिन को ओड में रखना, कोई भी, चाहे वो मेढक हो चाहे बंदर हो, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 दिन में चढ़ी 15 मीटर, क्योंकि 3 मीटर के पर डे के हिसाब से, और एक दिन जब छठा दिन जब छलांग मारेगी तो जाकर इसके चोटी पर ही बैठ जाएगी, तो फिर उसको स्लिप करने का सवाल कहां उठता है। इसमें ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूज है, कम्पिटेटिव भी है, और यह मेजर भी कहा जाए कि आप इसमें समय भी इन्वेस्ट कर दीजिएगा, आपका हिसाब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो डायरेक्ट रेशियो में जोड़िएगा कि एक दिन में 3 मीटर, 6 दिन में 18 मीटर, दूरी है 20 मीटर, 7वें दिन में ऊपर बैठेगी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो चूंकि अंतिम दिन का जो पोजिशन होता है उसको नहीं लेते,
क्योंकि अंतिम दिन में जो जंप करेगी वो जाकर चोटी पर ही बैठ जाएगी। तो दूरी उसका 20 मीटर है, चढ़ना है उसका एम है, लक्ष्य है, प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ने का प्रयास करती है, प्रयास करने के बावजूद वह 2 मीटर स्लिप कर जाती है, उसका वास्तविक चढ़ाई होता है 3 मीटर। तो 3 मीटर के मल्टीपल में 3×5=15, और छठा दिन जब वो प्रयास करती है तो सीधे यहां पहुंच जाती है, छठा दिन प्रयास करती है तो यहां पहुंच जाती है। इस प्रकार से टोटल दिन हुआ आपका 6, ये सब में एक दिन आपको रखना ही होगा, वन डे हमेशा एडिशनल में रखना होगा। इसका सूत्र हो गया x-y+z, यहां पर दे दीजिएगा +1, चाहे वो बंदर से रिलेटेड हो कि एक बंदर पर डे, एक पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, एक बंदर पर डे 10 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर स्लिप कर जाता है, फिर वैसे इसको बनाना होगा। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो कॉम्पिटेटिव जो टॉपिक्स था वो समाप्त हुआ, और मैं पुनः उम्मीद करूंगा कि यथासंभव कोशिश करेंगे मुझे अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।